चीन में कोरोना के BF7 वेरिएंट ने हाहाकार मचाया हुआ है। यहां बड़ी संख्या में लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत में भी लोग काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में तेजी से फैल रहे इस वेरिएंट की वजह से भारत में कोरोना की कोई नई लहर नहीं आएगी। बैंगलोर स्थित टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि ने कहा है कि इस वेरिएंट से भारतीय आबादी को बहुत अधिक खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे खराब स्थिति में इस वेरिएंट के कारण लोगों को एक या दो दिन के लिए सांस से संबंधित मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर रवि ने बताया कि इस नए वेरिएंट से संभावना जताई जा रही है कि ये पुराने कोरोना वायरस की तरह ही बर्ताव करेगा। चीन में ज्यादातर आबादी न तो वेरिएंट के संपर्क में आई है और न ही उन्हें वैक्सीन लगी है। इस स्थिति में उन लोगों में ओमिक्रॉन का कोई भी सब वेरिएंट पुराने कोरोना वायरस की तरह ही व्यवहार करेगा। यानी कोरोना महामारी की शुरुआत में कोरोना संक्रमण जितना खतरनाक साबित हो रहा था, चीन के लोगों के लिए ओमिक्रॉन के बाकी नए सब वेरिएंट भी उतने ही खतरनाक होंगे, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट ने बताया है कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने वैक्सीनेशन के जरिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया है। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि अस्पताल भर्ती होने वाले मरीजों और वायरस से होने वाली मौतों पर नजर रखने में कोविड मामलों की संख्या की सही जानकारी मिल सकती है। हाल ही में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि कोरोना से बचने का उनका केवल एक ही मंत्र है, प्रिपेयर बट नॉट पैनिक, घबराने की बजाय तैयार रहें। उन्होंने कहा, भारत अभी सुरक्षित है क्योंकि यहां लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा भारत में बहुत से लोग ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के संपर्क में आ चुके हैं, जिसके चलते लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। सुधाकर ने कहा, सितंबर में BF7 वेरिएंट का पहला मामला गुजरात में दर्ज किया गया था और 3 महीने बाद भी BF7 वेरिएंट के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।